इस लेक्चर के अंदर तो बात करने वाले हैं हम लोग नेस्ट और ट्यूपल के बारे में। तो चलिए कहानी किस्सा मुद्दा शुरू करते हैं नेस्ट और ट्यूपल का। तो कहता है कि एक ट्यूपल इनसाइड अनदर ट्यूपल विच इज कॉल्ड नेस्ट ट्यूपल। अगर देखिए बात होती है लिस्ट की और उसके अंदर दूसरी लिस्ट है तो वो नेस्टेड लिस्ट हो जाएगी। एक लूप में दूसरा लूप है तो वो नेस्टेड लूप, एक फंक्शन में दूसरा फंक्शन है तो दैट इज नेस्टेड फंक्शन। ठीक है, बस वही चीज़ यहाँ पर है कि भाई एक आपके पास में ट्यूपल है, उसके अंदर आपने एक दूसरा ट्यूपल है जो बेसिकली दे रखा है, तो आपने उसको एक नेस्टेड ट्यूपल का नाम है जो दे दिया। नेस्टेड मतलब एक ट्यूपल में दूसरा ट्यूपल। ओके, कुछ एक प्रोग्राम है, कहता है कि इन द प्रोग्राम 10(1) के अंदर जो कि नीचे दिया हुआ है। ओके, तो इसने ये करके भी बताया है। ठीक है, तो मैं आपको इसका प्रोग्राम समझाने से पहले एक बार आपके दिमाग के अंदर थोड़ी सी चीज़ें फिक्स कर दूं। कुछ भी नहीं, ये मेरे एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ओके। अब मैं क्या कर रही हूँ, एक और P2 नाम से ट्यूपल बना रही हूँ जिसके अंदर मैं कुछ और एलिमेंट्स को डाल रही हूँ। ठीक है, अब इसमें मैंने इस P को डाल दिया, ठीक है, और कुछ और एलिमेंट डाल दिए। तो यस, अगर मैं प्रिंट करती हूँ P2 को, ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, एक नेस्टेड ट्यूपल यहाँ पर प्रिंट हो गया। ठीक है, आप इसको खाली ऐसे भी डाल सकते थे, मतलब कुछ अगर आप मतलब डायरेक्टली डालना चाहें, ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, राइट। तो ऐसे भी हम डाल सकते हैं, तो इट्स ओके। ठीक है, मतलब ऐसा कर दिया आपने, तो एक वेरिएबल आपने मतलब डिक्लेयर करके उसके अंदर ट्यूपल डाल करके फिर आपने उसको नेस्टेड बनाने की कोशिश की। ओके, तो कहता है कि एक जैसे कि एक ट्यूपल में ट्यूपल है, तो इस ट्यूपल में क्या है कि बंदे का एक रोल नंबर होगा, मे बी उसका नाम है या उसके मार्क्स है। तो ऐसे करके आपने एक ट्यूपल ऑफ ट्यूपल बना लिया। अब आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, आप एक लूप का सहारा लेकर के उसको इस तरीके से प्रिंट कराने की कोशिश है जो बेसिकली कर रहे हो। और इसमें आपने ये स्लैश टी का यूज किया है ताकि वो एक आपका जो आउटपुट है वो एक सलीके से कायदे से जो है प्रिंट हो। ठीक है, अगर आप इसको करने की कोशिश करेंगे कि जैसे आप इसको अगर यूजर डिफाइंड भी बनाने की कोशिश करें कि अगर आप यूजर से भी नाम वाम ले लें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मैं इसमें करके बता देती हूँ। जैसे कि मैंने डेटा दिया इसके अंदर एंड एक ट्यूपल में एक ट्यूपल है, तो मैंने दिया यहाँ पर नाम कोमल और उसके एज दे दी, मान एज चलो 12 दे दी, और उसके मार्क्स दे दी मान लो 34। ठीक है, आप पहले रोल नंबर या कुछ भी ऐसे रख सकते हैं, तो वो आपकी इच्छा है, मतलब आपकी चॉइस है। ठीक है, कि आप कैसा भी बनाना चाहो। तो मैंने पूनम एंड कुछ 15 एंड 60 या 76 है ना, तो चलिए ये दो ही बना लेते हैं। तो मैं 4IN डेटा है ना, तो लूप का यूज करूंगी। तो ऑफकोर्स अगर आप प्रिंट करते हो आई को, तो आप पाओगे कि कोमल 12 34, ये एक ट्यूपल आपके पास प्रिंट हो रहा है और उसके बाद एक दूसरा ट्यूपल आपके पास प्रिंट हो रहा है, मतलब एक ट्यूपल के अंदर ट्यूपल है ना। ठीक है, अगर यहाँ कुछ और सिंपल डेटा होता तो वो एक एक करके आपका प्रिंट हो रहा होता। अब इसने कुछ भी नहीं किया है, इसने आपको खाली यहाँ पर इस तरीके से आपका नाम प्रिंट कराया है, रेंज दे रखा है। हाँ, इससे खैर आपको रेंज के थ्रू है जो चीजें कर रखी हैं, तो उसके लिए अपने क्या करते हैं, रेंज अगर हम ना भी यूज करें तो भी कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि मैंने कहा आई का 0, ठीक है, और फिर उसके बाद में मैंने यहाँ पर स्लैश टी यूज कर लिया, फिर मैंने क्या कहा आई का 1, ठीक है, फिर मैंने यहाँ पर स्लैश टी यूज कर लिया, फिर मैंने कहा आई का 2। ठीक है, अब एक बार इसको प्रिंट करके देखते हैं, तो लाइक हाउ दिस इज प्रिंटिंग है ना। अब इसको एक अच्छा बेटर लुक देने के लिए आप यहाँ पर प्रिंट एंड यू कैन प्रिंट नेम, एक सेकेंड, नेम 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 स्लैश टी, उसके बाद एज दे देते हैं स्लैश टी एंड यू कैन गिव मार्क्स। सो लाइक हाउ आपका आंसर आएगा, जो कि सलीके से आना भी चाहिए। ठीक है, तो इस कदर इस प्रकार से आपका आंसर इज गोइंग टू डिस्प्ले। तो थोड़ा सा ऐसा स्पेस आपने दे दिया। ठीक है, तो ये डिपेंड भी करेगा जैसा डेटा है आपके पास में। तो आई थिंक इसने भी यही चीज़ की है। यस, ऊपर आपके पास में देखिए ऐसे प्रिंट करा दिया सीरियल नंबर या नेम वाइज जो भी प्रिंट कराना था, और उसके बाद ऐसे रेंज से कर लिया इस ओके। ठीक है, रेंज से भी आप कर सकते हो। तो खैर अगर मैं आपको बता दूं कि रेंज देने और ना देने से क्या फर्क है जो पड़ा होगा या आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने यहाँ पर अगर लिखा है 4IN डेटा एंड इफ यू आर प्रिंटिंग देयर आई, तो इट मीन्स उसके अंदर का डेटा एक एक करके आपके पास में आ रहा है।
ठीक है, अगर आप यहाँ पर रेंज यूज करोगे तो ऑफकोर्स रेंज इंटीजर के साथ काम करता है, तो आप लेंथ ऑफ डेटा करोगे, तो अब आपको डेटा का आई यहाँ पर लिखना पड़ता है, ठीक है, आंसर वही आता जो आना है, ठीक है। तो अगर आपको कभी रेंज से ज़रूरत पड़ती है तो आप रेंज से कर लो, नहीं पड़ती तो आप मत करो, ये डिपेंड करेगा आपके जैसा प्रोग्राम आया है उसके ऊपर, ठीक है। सो अब हम अगले लेक्चर के अंदर करने वाले हैं बिल्कुल ट्यूपल हैंडलिंग। ट्यूपल हैंडलिंग में कुछ खास नहीं है, ट्यूपल हैंडलिंग के अंदर आपको बस ट्यूपल के अंदर के कुछ मतलब थोड़े बहुत प्रोग्राम्स आपको बता रहे हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ही देखेंगे, ठीक है। एंड येस, डू सब्सक्राइब द चैनल गाइज, ठीक है, दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए। और हमारा ट्यूपल ख़त्म होने वाला है, इसके बाद हम डिक्शनरी के ऊपर हैं जो बेसिकली जाने वाले हैं। तो चलिए फिर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।